a stat game. It's a game of stats. Very few sports जो दुनिया में है जिसपे stats आते हैं कि आज से 20 साल पहले ये हुआ था, आज से 50 साल पहले इस मैच में इतने ओवर में ये हुआ था. बट मेरा गोल ये था कि जब मैं रिटायर हूँ, मेरा ये वकार, ग्रेट वकार कभी, कि जब मैं रिटायर हूँ क्या मुझे वर्ल्ड लेवल्स में रखेंगे, क्या मेरा नाम याद रखा जाएगा. वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर जो विद इन द टीम होता है वो विकेट कीपर है. कट मारना है तो आपने वॉल के साथ खड़े रहना है, यहाँ बैटिंग करनी है तो लाजिम आता है आप बैक में नहीं जा सकते, आप ऑफ साइड पे जाओगे तो आप उस वक्त कट मारो, उसको कट मारो लेग साइड को ब्लॉक करके. इसी तरीके से आप ऑफ साइड पे आ जाओगे तो सारा बॉल आपके हाइट पे आएगा, सीने पे आएगा, यू विल प्ले मिड ऑन, मिड विकेट और लेग साइड पे. जब रनअप से भागोगे तीन प्लान आपके जेहन में होने चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. यहाँ पे आके चेंज हो सकता है. जब यहाँ पे हो, बैट्समैन में नजर रखनी आपने एंड तक कि वो क्रॉस जा रहा है, कि वो रूम दे रहा है, कि वो चार्ज कर रहा है, उस तरीके की तीन गेंदें आपके पास होनी चाहिए. ये आदत होनी चाहिए, हैबिट बना लो कि हर बॉल से पहले फील्ड पे ग्लांस करना है मैंने. बिफोर एवरी बॉल आई टू लुक एट द पिच, फील्ड मेरी कहाँ पे है. अगर फील्डर सही जगह पे नहीं है, ये आपका कसूर है एज अ बॉलर, ये कप्तान का कसूर नहीं है. अक्सर आपने देखा होगा कि मैं इन आवाम से गपशप करने के लिए यूज करके चला गया, वो क्या है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा थी. तो इसी तरह क्या है कि आप जब अपने आप को स्विच ऑफ करोगे, नेक्स्ट बॉल के लिए रेडी होगे. वाइड ऑफ द क्रीज जाके आप गीली पिच के ऊपर, डैम पिच के ऊपर, आप अगर मिडिल लेग के ऊपर आप टारगेट करोगे एज ए लेग स्पिनर, तो आपके चांसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको डंडे उड़ने के, स्लिप लगने के, कॉट बिहाइंड के और नेचुरल वेरिएशन से एलबीडब्ल्यू मिलने के. आपका वाइड ऑफ द क्रीज जाना बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी ऑफ स्टंप को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आप उस एंगल से चले गए, उस एंगल से आपको खेलना ही पड़ता है. फोर्थ स्टंप के ऊपर भी गेंद पड़ा तो उसको खेलना पड़ता है. अगर आप देखें कि आपने अपना बैलेंस परफेक्ट चेक करना है नेट पे भी या वैसे भी, तो आप देखें कि जब आप ऑन ड्राइव मारे मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से अगर जा रही है वो जमीन के साथ लगी, इसका मतलब कि आपका बैलेंस काफी बेहतर है. और इसी तरह इवन आप ऑफ स्टंप पर भी खेल रहे हैं, बॉल हाथ से रिलीज हो तो फिर आपने डिसाइड करना है कि अब आपने खेलना क्या है. आप बॉल हाथ से रिलीज होने से पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जी मैंने तो ये शॉट खेला, तो वहां आप फंसते हैं. ये क्रीज के चार हिस्से हैं, एक साइड से बिल्कुल क्लोज टू द स्टंप है, एक बिल्कुल साइड से है, एक बीच में से, एक वाइडर ऑफ द क्रीज है. तो यूज करो लेंथ. जब आप वाइडर ऑफ द क्रीज जाते हैं, लेंथ ऑफ द आर्म आपका फेंका जाता है, दूर फेंका जाता है लेंथ ऑफ द आर्म. जब आप मिडल से करते हैं, रीच ऑफ द लेंथ इज डिफरेंट. When you're close to the stump, your frame is different, your arm angle is totally different. You are becoming a different bowler altogether. Guys, learn the trade. Learn the trade. ये बहुत important है batsman के लिए कि वो अपनी calculation हर लम्हा करे. आया उसको chase करना है, आया उसको set करना है. सुबह कैसे खेलना है, दोपहर में कैसे खेलना है, शाम में कैसे खेलना है, आया मुझे टेस्ट मैच में क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए, मुझे वनडे में क्या करनी चाहिए और मुझे T20 क्रिकेट में कैसे करनी चाहिए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बाज़ वक़्त हम ये मैं देखता हूँ बैट्समैन को T20 में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं. नहीं, आपके पास एक टाइम मौजूद है, आपके पास एक सांस लेने के लिए एक मौका मौजूद है. बस वो प्लेयर जो वो टाइम को जाके अपनी कैलकुलेशन करता है उस वक्त, प्लानिंग भी अच्छी हो सकती है, प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन उस वक्त ऑन द पिच बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना. जब तक थॉट नहीं होगी, लाइक एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि हाँ ये मेरी गलती है और ये मैंने करना है और मैंने एक पॉइंट है जो प्रूव करना है, वो किसी को आप प्रूव नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो. यू नो, अगर आप ये ठान लें कि मैंने अपने आप को ये पॉइंट प्रूव करना है, तो देर इज आई मीन नोबडी इन द वर्ल्ड के जो आपको रोक सके.